All right, let's get to the latest from Delhi, where a 77-year-old senior citizen has been brutally murdered in posh civil lines area of North Delhi. Police suspect robbery to be the motive behind the crime. For more on this, I'm joined by Amit Gautam on the broadcast. Amit, bahut bahut shukriya hamare sath judne ke liye. 24 ghante mein Delhi mein ye dusra aisa waqia hai jahan pe senior citizen pe hamla kiya gaya hai. Kal Greater Kailash tha, aaj civil lines hai. Aaj jo civil lines mein jo inki मृत्यु हो गई है, क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं इन सीनियर सिटीजन के बारे में? जी, मैं आपको बताता हूँ. पहली मैं जगह बताना चाहता हूँ. दोनों ही पॉश एरिया थे और आज सिविल लाइन जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर के पास का ही ये मामला है. सिविल लाइन के आर के मार्ग पर एक रामकिशोर नाम के 77 वर्षीय बुजुर्ग थे जिनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई. चाकू से मार कर उनकी हत्या कर दी गई है और ये करीब चार घाव उनके शरीर पर मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, आपको बता दें, उनके मरने की जानकारी उनके बेटों को हुई. करीब सुबह 6:45 बजे जब वो उनके घर पर गए, कमरे में गए, तो वो पड़े हुए मिले थे. जब तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस सूचना पहुंची, उसके बाद वो जब ट्रॉमा सेंटर ले गए तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. और साथ ही साथ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको उनके कमरे में गत्ते के पैकेट रखे थे जिसमें नकदी थे. हालांकि नकदी की अभी गिनती हो पाएगी कितने पैसे रखे थे, लेकिन वो भी गायब मिले. और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जब वो सुबह के टाइम सिक्योरिटी गार्ड के कहने उन्होंने कहा है सिक्योरिटी गार्ड ने कि उन्होंने दो व्यक्ति को तुरंत भागते हुए सुबह तड़के भागते हुए उन्होंने देखा था. आपको बता दें बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है और पिछले 24 घंटे में दो घटनाएं वारदात होना एक दिल्ली में दहलाने वाली चीज़ है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित ये जानकारी देने के लिए.